नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारे सवालों के जवाब तुम इस वीडियो में मिल जाएंगे। जिहड़ी भी तुहाडे मन में किंतु परंतु है, यह वीडियो तुहाडे मन के सारे डाउट को क्लीयर कर देगी। टाइम वेस्ट ना करते सीधा आप अपने मोटिव पर आने। कुछ वीर की जिहड़ी सोच सी कि यह फेक न्यूज़ पा रहे हैं सारे यूट्यूब पर, जिहड़े भी यूट्यूबर ने फेक न्यूज़ पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रही। यह तुहाडे सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऑफिशियल किया हुआ ट्वीट है, जिस विच इन्होंने 10,000 पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है, जिस विचों 3300 जिहड़ी पोस्टां ने ओह लेडीज़ या वूमेन वास्ते राखवियां कर दित्तियां ने। मतलब जो लड़कियां ने उन्हां वास्ते ही 3300 पोस्ट फुलफिल होवेगी। इस तो इलावा कॉन्सटेबल, सब इंस्पैक्टर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट टोटल पोस्टां मिला के 10,000 पोस्टां दी अनाउंसमेंट हो जाणी है अप्रैल दे लास्ट तक। तो दोस्तों, इतने तक तुहानू 2 सवालों का जवाब जिहड़ा मिल चुका है कि पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट की न्यूज़ है जिहड़ी वो फेक नहीं है, प्लस अप्रैल के लास्ट तक जिहड़ी ऑनलाइन अप्लाई करन दा नोटिफिकेशन दा लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उस तो बाद काफ़ी मैनू कमेंट देखने को मिले हैं कि सर कॉन्सटेबल का एग्जाम होगा या नहीं, तो सिलेबस की होगा, तो बेस्ट बुक कहड़ी है कि कहड़ी बुक में आप सिलेबस को कवर करिए। देखो, ये तुहाडे सामने सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हुण गल करते हैं, ये सिलेबस विच्चों पक्का पेपर आएगा, मतलब काफ़ी डाउट होंगे ने कि श्योर इस सिलेबस विच्चों ही आएगा। देखो दोस्तों, सिलेबस जिहड़ा हुंदा वो ग्रेड पोस्ट की ग्रेड के अकॉर्डिंग हुंदा है। जिहड़ी फोर्थ ग्रेड की पोस्ट हुंदी है कॉन्सटेबल, तुहानू भी पता, मैनू भी पता, फोर्थ ग्रेड की पोस्ट आ जाती है, तो उस रिलेटड चाहे रेलवे हो ग्रुप डी की पोस्ट आ सी, तो चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की पोस्ट हो, सिलेबस सिंपल सिलेबस होंदा। नॉर्मल ग्रुप डी की जिहड़ी फोर्थ ग्रेड की पोस्ट होंगे ने, उन्होंने यही सिलेबस होंदा है। तुहाडे माइंड में यह आ रहा होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस तो हले मतलब कि जारी नहीं किया गया, नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हुआ हले तक, तो यह भाई सिलेबस किवें दसी जाता है कि इस विचों आएगा। दोस्तों, सिलेबस हमेशा सेम रहता है, चेंज क्यों हो सकता है कि जिम्मे जनरल नॉलेज के पहले 30 क्वेश्चन आए थे, इस बार 20 आ सकते हैं, तो रीजनिंग के जिम्मे 25 आए थे, इस बार 30 आ सकते हैं। यही चेंजस हो सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम तो ज़्यादा हो सकते हैं, तो बट चेंजिंग क्योंकि सिलेबस हमेशा टॉपिक्स ने जोड़े, हूँ जिमें साइंस लगा लो, साइंस चेंज हो सकती है, आप 10वीं पढ़ते से उदो भी यही साइंस से, हूँ पढ़ा तो उदो भी उही क्वेश्चन हो गए साइंस के, ता करके सिलेबस में कोई चेंजस नहीं आते, बस नंबर ऑफ क्वेश्चनस होंगे ने जोड़े उन्होंने चेंजस आ सकते हैं। दोस्तों, घबराने वाली कोई गल नहीं, नॉर्मल जो सिलेबस होंगे ज़्यादा औखा नहीं होंगे, एक बार तैयारी करके देखो, इन्हों रीड करके देखो, तो ईजीली समझ च आ जाएगा। बाकी इस सिलेबस को आप किहड़ी बुक में कवर करना, स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए, इस रिलेटड जानकारी लैन तुम मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, तो मेरे नाल गल कर सकते हो। तो दोस्तों, सिलेबस का जल्दी ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तो यह मैथमैटिक के क्वेश्चन जोड़े भी टॉपिक उठ के बनने, तो इन्ना सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो सिलेबस तुम देख लिया, फिर एक इस वीडियो के सिलेबस में तो ऑप्शन नोटिफिकेशन के सिलेबस में मैच करके देख लियो, तो कमेंट में मैं दस दौ कि सर तुम बिल्कुल सही कह सी, तो उही एग्जाम उही सिलेबस पूछने को मिला जो वीडियो में दसा हुआ सी। एंड बेस्ट बुक्स जानने लिए मैं इंस्टाग्राम से मैसेज कर दो, उतना पूरी स्ट्रैटेजी समझा देंगे, पूरी डिटेल समझा देंगे कि किमें स्टडी करनी है, तो किमें आप एग्जाम क्रैक करना है। जो भी बच्चे एग्जाम क्वालीफाई करेंगे उस तो बाद फिटनेस टेस्ट की बारी आती है, उस वास्ते मेल कैंडीडेट ने जिहड़े उन्होंने 1600 मीटर रेस 6 मिनट 30 सेकेंटा क्ढनी होगी, तो लोंग जंप होगी 3.80 मीटर की जिसके 3 चांस होंगे, तो हाई जंप होगी 1.10 मीटर की जिससे भी 3 चांस होंगे। इधर आप फीमेल वास्ते चेक कर सकते हैं, 800 मीटर रेस क्ढनी होगी 4 मिनट, तो लोंग जंप होगी 3 मीटर की, 3 चांस होंगे, इस अलावा जी हाई जंप होगी 0.95 मीटर की, इतने 3 चांस इस फीमेल्स में मिलने। हूँ दोस्तों, थोड़े 12वीं क्लास के जोड़े मार्क्स ने जोड़े नंबर आए थे उन्होंने परसेंटेज के बेस से तुम्हें किन्ने नंबर मिलने, इस रिक्रूटमेंट में परसेंट तो ज़्यादा ने तो 10 नंबर तुम्हें 10 पॉइंट मिलने एक्सट्रा इस रिक्रूटमेंट में, जो थोड़े 40 से 50% के विचाले ने तो 11 नंबर मिलने, जे थोड़े 60% ने तो 12 नंबर मिलने, तो जे 70% ने तो 13 नंबर मिलने, जे 80% ने तो 14 नंबर एक्सट्रा तुम्हें मिलने, जे 80 तो ज़्यादा ने तो 15 नंबर तुम्हें ऐड हो जाएंगे थोड़े जी रिक्रूटमेंट की, एंड थोड़े चांस जोड़े भर्ती होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाइट वाइज जी मार्क्स की गल करिए, जे मेल कैंडीडेट की हाइट 5 फुट 7 इंच है तो उसको 10 नंबर एक्सट्रा मिलने, जे
5 फुट 8 इंच है तो उसनों 11 मिलेंगे, तो जे 5 फुट 9 है तो उसनों 12 मिलेंगे। इतने आप पूरी चैक कर सकते हैं, इधर फीमेल दी आप चैक कर सकते हैं। जे फीमेल दी हाइट 5 फुट 5 इंच है तो 12 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उन्होंने, जे 5 फुट 7 इंच है तो 14 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाकी तुम इस चार्ट एक बार ध्यान नाल देख लो, तो आई नो देख के सारी तुम समझ जाओगे कि कहना की चाह रहा मैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है तुम्हें काफ़ी हद तक संतुष्टि हो गया भी, थोड़े सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब भी कर दो, वीडियो में सपोर्ट भी कर दो।